हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का मैथमेटिक्स और चैप्टर होगा 2। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2। ये कंटिन्यू वीडियो चल रहा है, इससे पहले भी आ चुका है वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 to 7। आज हम लोग देखेंगे 7 टू ऑनवर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या ध्यान दीजिए, tan इनवर्स cos x - sin x / cos x + sin x। इसमें आपको क्लू बताए थे, इसको करना क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। इसका क्लू क्या है कि बगल में अगर tan है तो इसके अंदर में क्या लाना है, tan लाना है। तो tan कब आएगा, तो आपको क्लू है कि sin / cos। अगर sin / cos आता है तो tan बन जाएगा। तो sin / cos कैसे आएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में cos चाहिए, तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। तो देखिए sin / cos क्या आ जाएगा, tan। तो आपको क्लू मेन पकड़ना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप यहां देख रहे हैं, डायरेक्ट हम सॉल्यूशन करेंगे, क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग, ठीक है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। जब cos x से आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका रिजल्ट देखिए आएगा cos x - sin x / cos x। ये हम लोग काम करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं आपको पता चल गया होगा। उसी तरह से यहाँ क्या है, cos x + sin x / cos x, ये ताकि क्वेश्चन में कोई चेंजिंग ना हो। अब फिर आप ये सेपरेट डिवाइड कीजिएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा माइनस, sin / cos क्या आ जाएगा आपका tan x / यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा tan x, इस तरह से। अब एक फॉर्मूला है tan, tan के टर्म में, तो यहाँ पे इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पे 1 into tan x आप कर सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा और आगे बढ़िए क्योंकि एक फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहे हैं tan tan a minus b। इसका फॉर्मूला क्या होता है tan a minus b का, tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b। ये सब फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए ये 1 है तो 1 को क्या लिख सकते हैं, tan pi by 4 plus minus है already यहाँ पे minus, उसके बाद क्या है tan x, यहाँ पे 1 को 1 रखेंगे, इस 1 के बदले लिखेंगे tan pi by 4 into tan x। अब ये जो हम लोग का फॉर्मेट आया बिल्कुल इस पर सेट हो गया है, tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b। तो इस फॉर्मूला टोटल अगर हम देखें तो क्या आ गया, tan इनवर्स, और इसके बदले आप क्या लिखिएगा tan a, और a का वैल्यू कितना है pi by 4 माइनस tan a माइनस b, b का वैल्यू कितना हो गया x। उसके बाद एक और फॉर्मूला आपको यहां देख गया, क्या बताए थे बेसिक प्रॉपर्टी में, tan इनवर्स क्या था, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है थीटा, ये कैंसिल आउट दैट इज थीटा, तो ये कैंसिल आउट, क्या बच जाएगा pi/4 - x। ये आपका आंसर आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, यहां पे देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, tan इनवर्स x / √a² - x²। तो यहां भी आपका सेम क्लू क्या है, आपका tan इनवर्स यहां भी लाना है tan। तो tan कब आता है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा / cos थीटा। तो ये छोटा सा क्लू आपका है कि यहाँ पे tan है, यहाँ भी tan लाना है, तो आपका ऑप्शन यहाँ भी है यहाँ भी है, तो यहाँ ऑप्शन क्या मिल रहा है, क्या होना चाहिए sin, और यहाँ पे sin पुट करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन में क्या पता चला, पुट x इक्वल टू sin थीटा। अब क्वेश्चन में ध्यान देखना, ध्यान से देखना क्या इसमें कुछ कांस्टेंट है क्या, अगर इसमें कांस्टेंट है तो वो भी साथ में पुट होगा। तो इसमें कांस्टेंट एक दिख रहा है a, तो a भी इसमें पुट होगा, यानी क्या पुट होगा x इक्वल टू a sin थीटा। a क्यों पुट हुआ, क्योंकि इसमें कांस्टेंट a था, अगर b रहता तो b पुट करते, c रहता तो c पुट करते। अब यहां से थीटा का वैल्यू निकालते हैं, तो थीटा का वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालना होगा sin थीटा का वैल्यू, तो sin थीटा का वैल्यू क्या आएगा x / a, इधर मल्टीपल में डिवाइड जाएगा, और फिर थीटा का वैल्यू आप निकालिएगा, थीटा का वैल्यू ये इधर जाएगा तो क्या बना देगा, इनवर्स बना देगा sin इनवर्स x / a। ये हम लोग का थीटा का वैल्यू निकला है क्योंकि थीटा आप खुद से पुट किए थे ना। अब क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स x और x के बदले क्या था a sin थीटा / अंडर रूट, यहाँ क्या है a square - x square,
तो x का ये पूरा वैल्यू हो गया a sin थीटा, ये a sin थीटा का होल स्क्वायर। अब ये इंडिसेस का छोटा सा प्रॉपर्टी है कि दो इनटू में ये स्क्वायर है या फिर है कुछ भी, तो ये दोनों में आएगा, तो यहां क्या हो जाएगा a sin थीटा न्यूमरेटर तो ऐसा ही रहेगा, यहां देखिए ध्यान से a हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ऐसे होगा। अब यहां से दो टर्म है, यहां माइनस क्या कर रहा है, इसको सेपरेट कर रहा है, दो टर्म है और दो टर्म में सेम अगर टर्म मिलता है तो उसको क्या लेते हैं हम लोग, कॉमन लेते हैं। तो यहां से देखिए a a मिल गया, इसको कॉमन लेंगे तो यहां 1 माइनस यहां हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब ये अंडर रूट में स्क्वायर है तो एक बाहर सिंगल बाहर निकल जाएगा, सिंगल बाहर निकलेगा तो क्या होगा a, और रूट अंडर क्या बच गया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब ये और ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ अब एक और फार्मूला पढ़े हैं प्रीवियस क्लास में, अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है cos थीटा, तो यहां लिखेंगे tan इनवर्स, यहां क्या बच गया sin थीटा अपॉन, ये डायरेक्ट फार्मूला है ये cos थीटा का। तो आप यहां ध्यान से देखें क्या रिजल्ट दिया, sin by cos क्या होता है tan थीटा, और tan tan मिल गया क्या बच गया थीटा, और थीटा का वैल्यू ध्यान से देखिए थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं tan इनवर्स x by a, यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले आपको क्लू ढूंढना है क्या प्रूफ करना है। तो ये छोटा सा टर्म था tan, यहां था तो sin by cos क्लू मिल गया, tan था sin by cos क्लू मिल गया, बट यहां पे देखिए बहुत उलझा हुआ टर्म है, तो दूसरा क्लू क्या है कि अगर बहुत उलझा हुआ टर्म हो तो जो बगल में है वही पुट कर दीजिएगा, क्वेश्चन में जो बाहर में रहेगा वही क्या करना है आपको x का वैल्यू पुट कर देना है। तो क्या पुट करना है इसका सॉल्यूशन में, क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है, 10th क्वेश्चन यहां पे है, तो हम लोग को क्या करना है वी पुट x इक्वल टू क्या पुट करेंगे tan थीटा। अब क्या क्वेश्चन में कांस्टेंट है, इस क्वेश्चन में क्या कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट a नजर आ रहा है, तो अभी बताया था आपको अगर कांस्टेंट है तो हम लोग कांस्टेंट लेकर के पुट करेंगे a tan थीटा। अब यहां से थीटा का वैल्यू निकालिए तो थीटा का वैल्यू क्या देगा tan इनवर्स x / a, आपको ये थीटा का वैल्यू दिया। नाउ अब जो क्वेश्चन में हम लोग काम कर रहे हैं उसको कीजिए, यहां पे क्या आ जाएगा tan इनवर्स 3 a स्क्वायर into x, और x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू देखिए हम लोग पुट कर रहे हैं a tan थीटा माइनस x cube, और x का वैल्यू कितना है डिस्टर्ब, यानी a tan थीटा का होल की हो जाएगा ऐसे। अब डिनोमिनेटर पार्ट को देखिए, डिनोमिनेटर पार्ट क्या कह रहा है a cube, तो यहां तो x है ही नहीं, a cube रहेगा डायरेक्टली, माइनस 3 a कांस्टेंट है, अब x स्क्वायर, और x स्क्वायर का वैल्यू कितना है देखिए a tan थीटा का होल स्क्वायर, जहां जहां x था हम लोग पुट कर दिए। अब इसको सिंपलीफाई कीजिए थोड़ा, tan इनवर्स यहां देखिए स्क्वायर यहां पे एक और तो क्यूब हो गया, 3 a क्यूब tan थीटा माइनस, ये प्रोडक्ट रूल में अगर इंडिसेस पढ़े होंगे तो क्या कहता है दोनों में आ जाएगा, यहां a क्यूब हो जाएगा और यहां क्या होगा tan क्यूब थीटा ऐसे। उसी तरह से यहां पे डिनोमिनेटर टर्म को देखिए 3 a, और इधर से स्क्वायर आएगा और यहां बगल में है तो क्या हो जाएगा a क्यूब, और यहां क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस थीटा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई क्या सेम टर्म मिल रहा है देखिए a cube यानी कॉमन आ जाएगा, तो यहां क्या हो गया tan इनवर्स a cube बाहर आ गया तो क्या बच गया 3 tan थीटा माइनस, ये बाहर चला गया क्या बचा tan क्यूब थीटा, डिनोमिनेटर पार्ट को फिर देखिए यहां से a cube इसके बाहर आ रहा है, यहां क्या बचेगा 1 minus 3 tan स्क्वायर थीटा, a cube कैंसिल आउट, रिमेनिंग पार्ट आपका बच गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और आप पढ़े हैं क्लास 12 में, आपको बताया है फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में चैप्टर 12 का, ये किसका फॉर्मूला है tan 3 थीटा का, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी देख लीजिएगा, ये फॉर्मूला है तो ये बगल में आ गया tan इनवर्स, ये tan इनवर्स, और ये टोटल का फॉर्मूला है tan 3 थीटा का, tan tan कैंसिल आउट 3 थीटा 3, और थीटा का वैल्यू आप देखिए थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं tan इनवर्स x / a, ये आपका सिंपलेस्ट टर्म आ गया आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, अब देखिए क्या बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ
मतलब इस क्वेश्चन का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्वेश्चन पहले आप ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन को दो तीन बार देखिएगा, कहीं आप गलत को नोट नहीं कर रहे हैं। tan इनवर्स 2 cos x, 2 cos, 2 cos, 2 cos, फिर क्या है 2 sin इनवर्स 1/2। अब इसमें क्लू क्या है आपको बताएं, जहां पे भी इनवर्स आता है पहले सबसे पहले बोर्ड मास यहां पे लग रहा है। बोर्ड मास क्या कहता है कि सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को देखेंगे, तो यहां ब्रैकेट का लग रहा है तो सबसे स्मॉल ब्रैकेट यहां आ गया, और जहां भी इनवर्स आएगा उसके बगल में जो कांस्टेंट रहेगा इसी पे टर्म में सोचना है आपको। मतलब क्या है साइन है, तो साइन में 1/2 कब आता है आपको ये देखना है, साइन में 1/2 कब आता है। तो cos 30 में साइन 30 में आता है, तो यहां पे आप लिख दीजिए साइन पाई बाय 6, 30 को रेडियन में क्या लिखेंगे पाई बाय 6। अब ये साइन और ये साइन कैंसिल आउट हो गया अकॉर्डिंग टू फार्मूला यानी प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, ये भी कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच गया पाई बाय 6। अब ये फिर इससे कैंसिल हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बच गया देखिए 2 cos पाई बाय 3। अब ये क्या हो गया tan इनवर्स 2 into cos पाई बाय 3 मतलब cos 60, और cos 60 का वैल्यू कितना हो गया 1/2, cos 60 वैल्यू 1/2, ये 2 और 2 कैंसिल आउट, तो क्या बच गया आप थोड़ा सा यहां ध्यान दें, यहां tan इनवर्स क्या बचा 1, कटने के बाद 1 बच गया आपका। अब यहां भी इनवर्स कांस्टेंट तो tan में ही सोचना होगा, तो ये कब आएगा tan में कब आता है 1 tan पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, ये और ये कैंसिल आउट हो गया क्या बचा पाई बाय 4, दिस इज द आंसर। तो इस तरह से इसको बनाना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बता रहा है, फाइंड द वैल्यू पूछ रहा है भी cot, क्वेश्चन नंबर क्या है cot tan इनवर्स a, tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a ऐसा। तो आपको प्रॉपर्टी नंबर सी, अरे आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे तो वहां देखिएगा प्रॉपर्टी नंबर सी क्या कहता है, cot x tan x tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है पाई बाय 2। ये तीन प्रॉपर्टी है। x क्या कहता है कि दोनों का एंगल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए सेम, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, x का मतलब यहां पे जो भी होगा वो क्या होगा सेम होना चाहिए तभी पाई बाय 2 होगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, यहां पे देखिए tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a मतलब ये दोनों क्या सेम है, जो भी रहेगा दोनों क्या रहेगा सेम रहेगा तब वो क्या लिखेंगे पाई बाय 2, तो cot इसके पूरा के बदले क्या आ गया पाई बाय 2, और पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री, और cot 90 का वैल्यू क्या होता है 0, पापा आंसर आ गया 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, इस तरह का क्वेश्चन को बना लीजिएगा। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके थैंक यू, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों को बताएं ताकि उनको भी कुछ फायदा हो जाए।